डियर स्टूडेंट्स, 2022-23 के लिए स्कॉलरशिप रिन्यूअल कैसे करें। अगर आप भी डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आप अपने स्कॉलरशिप को रिन्यूअल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे काफ़ी आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हैं, कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे आगे चलकर आपको परेशानी हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाए। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं रिजेक्ट करके नया पेज ओपन करके दिखाता हूँ, इसलिए काफ़ी सारे बच्चे यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, यहाँ पर सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। इसका मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इससे पहले मैं बता दूँ कि ये रिन्यूअल स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए नहीं है। जो अगर मान लीजिए कि आपको कोर्स कर रहे हैं, समझिए कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो वो फ्रेश आवेदन का प्रकार फ्रेश होगा। और आवेदन का प्रकार रिन्यूअल कब होगा, जब आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में होंगे तो आपके रिन्यूअल का प्रकार होगा। और रिन्यूअल में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। यहां पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहां पर आपको देखिए स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको नीचे आना है, यहां पर देखिए रिन्यूअल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। कभी कभी ये ऑप्शन ओपन नहीं हो पाता तो यहां पर आपको थोड़ा सा क्लिक किए रहना है, ओपन हो जाएगा और इसको थोड़ा सा साइड में क्लिक करना है, ठीक है। यहां देखिए नीचे की ओर आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहां पे ओपन हो रहा है, देखिए यहां पे इस प्रकार का इंटरफेस आ गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, देखिए पहले है आवेदन का प्रकार रिन्यूअल, दूसरा है पाठ्यक्रम का प्रकार दशमोत्तर यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, यानी कि आप इंटरमीडिएट करके कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप 10th पास करके कभी कभी आप डिप्लोमा करते हैं उनके लिए भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केवल आपको जो पिछला रिन्यूअल के स्टूडेंट है तो आपका पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है और आपको अपना पासवर्ड, देखिए काफ़ी सारे बच्चों को पासवर्ड नहीं याद होगा, यहाँ पे कैप्चा भी दिया है नीचे, पासवर्ड नहीं अगर याद होगा तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका फॉरगॉट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा, उसमें आपसे केवल बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे आपके हाई स्कूल का रोल नंबर, आपने हाई स्कूल का पास किया था और आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड डायरेक्ट आपको एक नया पासवर्ड दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए केवल आपको क्या भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पिछले साल का और जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ और आपको अपना पासवर्ड और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड। तो चलिए इसको मैं भर के और ब्लर करके और उसके बाद से सबमिट पे क्लिक करके लाइव करके दिखाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब फाइनली यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप हो गई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट का ऑप्शन, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर सबसे लिखा है उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंध प्रणाली सत्र 2022-23 नवीनीकरण, यानी रिन्यूअल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप में अप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड स्टेप में अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फोर्थ स्टेप में इनकम टैक्स अथॉरिटी और फिफ्थ स्टेप में आधार अथॉरिटी और सिक्स्थ स्टेप में अप्लीकेशन लॉक और सेवन्थ स्टेप में रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशन, यानी कि 7 स्टेप आपके पूरे होते हैं। इससे पहले थोड़ा सा नीचे की ओर हम नज़र डालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी इस बार आपके क्या क्या लगेंगे। अप्लीकेंट्स यानी कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं जिसके लिए, मतलब कि अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एक फोटोग्राफ और साइज़ कितना रहना चाहिए, 20 KB, टाइप JPG यानी JPG टाइप रहना चाहिए और 20 KB तक इसकी साइज़ रहनी चाहिए, ठीक है, फोटो आपका। फिर से कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। और कई बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, जैसे जनरल की बात करें तो जनरल का नहीं लगता है, तो जिनका लगता होगा उनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इस बार आपकी लगेंगी, इसलिए कि काफ़ी चीज़ें जो एक्सपायर हो जाती हैं तो उनको, जैसे कि जो आपके आय होते हैं या फिर कह लीजिए कि आय होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं लगभग 3 साल में, तो नया बनवाना पड़ता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भरनी पड़ती है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए। और यहाँ पर देखिए आपको केवल कितने स्टेप, 7 स्टेप होते हैं और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अभी आपका जो, जैसे मान लीजिए अगर दूसरे स्टेप की बात करें अप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अभी तो ये फिलहाल ओपन नहीं होगा, इसलिए कि अभी आपके जो फीस रसीद, अभी आपका जो नया एडमिशन है वो हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, आपकी फीस रसीद वगैरह नहीं मिली है। जैसे फीस रसीद वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो ये ओपन होगा। जैसे इस पर ओपन, इसको इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये ओपन होगा, अभी 2-4 दिन समय लगेगा, तो ओपन होने के बाद क्या करना है आपको, केवल कुछ नहीं करना है, केवल आपको फीस संख्या, जितना फीस आपने इस बार जमा किया है, फीस का क्रमांक भरना है। और मान लीजिए कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप जब सेकेंड ईयर में थे तो 2/3 करके आपको भरना था, अब जब आप फाइनल ईयर में आ गए हैं तो 3/3, वर्ष की अवधि 3/3 हो जाएगी और आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें ही बस चेंज
चेंज करनी होती है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे ही ओपन होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इनकम कास्ट अपलोड करना है, आधार ऑथेंटिटी, आधार के बारे में आपकी पूरी जानकारी कि हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जो जेन्यून आपका मोबाइल नंबर होता है, ठीक है। एक मोबाइल नंबर आपका लिंक होना ही चाहिए, अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट ईयर में आपका लिंक ही होगा, तो वो भी सारी चीज़ें ऐसे ही समझिए कि वो कंप्लीट है आपकी। फिर एप्लीकेशन लॉक करेंगे और लॉक करने के 3 दिन बाद यहाँ पे हार्ड कॉपी निकाल करके इंस्टीट्यूट में जमा करेंगे, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन की ही सहायता से कर सकते हैं, इसलिए कि रिन्यूअल कर रहे हैं तो रिन्यूअल में कुछ खास करना नहीं होता है। अगर आप साइबर कैफे के पास जाएंगे तो वहाँ पर पैसा भी लगेगा, और पैसे लगने के बावजूद आपसे क्या करेगा, वो कभी कभी कुछ गलतियाँ कर देते हैं। अगर आप अपने आप से भरेंगे अच्छे तरीके से, मतलब घर पर रहेंगे आराम से अच्छे तरीके से भरेंगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद जब लॉक हो जाएगा आपका फाइनल प्रिंट निकल जाएगा, तो फाइनल प्रिंट जाकर के साइबर कैफे से 10 रुपया देकर के वहां से निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे ही ये सारे ऑप्शन ओपन होंगे, इसलिए अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो अभी जेई का एग्जाम हुआ है, काउंसलिंग वगैरह चल रही है, एडमिशन जैसे ही होता है लगभग 15-20 दिन में सभी कोर्सेज का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, और सभी का फीस रसीद वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये आपका ऑप्शन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। खास करके टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता है तो इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे ही सेंड कर दी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।